तो दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह का ये स्टॉल्स लगा है, यानी कि ये जो एक्सपो सेंटर पे नुमाइश है किस तरह का है। बाकी ये आप देख सकते हैं, मेरा ब्रांड पाकिस्तान और ये 20 और 21 जनवरी को लगा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी एक डेस्क बनाया गया है। इसके अलावा तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पे कराची की शहरियों ने शिरकत किया है और यहाँ पे काफ़ी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं इस तरफ जा रहा हूँ, बाकी वहाँ से लोग निकल रहे हैं, तो आप ये रश देख सकते हैं किस तरह का रश है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिखेंगे वो सारे मेड इन पाकिस्तानी होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये शील्ड का काउंटर है। तो इसके अलावा यहाँ पर शील्ड के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे मेड इन पाकिस्तानी हैं, मेड इन पाकिस्तान है। बाकी अभी आगे और देखते हैं। तो दोस्तों ये अब मैं ISE के काउंटर के सामने मौजूद हूँ। तो ये जो ISE ये जो कंपनी है, ये अपना कैचअप बनाती है, इसके अलावा जूसेस बनाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, बाकी आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं मौजूद हूँ डॉलर के काउंटर के सामने। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, तो डॉलर भी हमारा मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। तो इसके अलावा डॉलर के तो आपको सारे लोगों को पता है कि डॉलर हमारा जो है क्या क्या बनाता है, पेन है इनके, स्टेपलर पिन है, पेंसिल है, रेजर है, काफ़ी सारे आइटम्स इनके होते हैं। तो बाकी आगे चलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं मौजूद हूँ शाही के काउंटर पे। शाही जाना माना नाम है, शाही सुपारी आप बचपन से खाते हुए आए होंगे। तो माशाल्लाह अभी तो शाही के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि शाही वालों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे ये डिस्प्ले बना दिया। तो आप ये देख सकते हैं, शाही मेवा है, शाही सुपारी है, बल्ले बल्ले है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मेड इन पाकिस्तान के हवाले से ये जो शाही के प्रोडक्ट्स है इस पर फ्राई और पापड़ भी है और भी ये काफ़ी चीज़ें आप ये देख सकते हैं, ये सारे हमारे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। तो यंग्स का भी नाम जाना माना नाम है और ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा केचप हो गया, मायनीज हो गया और भी नगेट्स वगैरह भी अब ये बना रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे एक कैफ़े इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कैफ़े है। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारे यंग्स जो है उनके सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। बाकी केचप वगैरह उस काउंटर पे है और शहद भी ये बनाता है, ये सारे हमारे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों अब मैं ये वाइटल के काउंटर के सामने मौजूद हूँ और ये वाइटल भी पाकिस्तान का जाना माना नाम है। अब जैसे कि वाइटल टी हो गया, वाइटल ग्रीन टी हो गया, फिर और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे वाइटल के। चले आगे चलते हैं, बाकी देखते हैं क्या। ये इन्होंने भी यहाँ पे इस तरह का डिस्प्ले बनाया हुआ, आप ये देख सकते हैं कि वाइटल के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो मौजूद हूँ फूड पार्लर के काउंटर पे मैं मौजूद हूँ और इनके जो प्रोडक्ट्स आप ये देख सकते हैं, ज़ीरा प्लस बिस्किट है, कोको चैम्प है और भी काफ़ी कुछ है। तो दोस्तों अब मैं हलाल ऑर्गेनिक के काउंटर के सामने खड़ा हूँ। तो ये कॉफ़ी बनाते हैं, पतिया बनाते हैं और भी ग्रीन टी वगैरह भी काफ़ी कुछ है इनके पास। तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान पर इस तरह के बहुत सारे कंपनीज हैं जो काफ़ी कुछ बना रहे हैं लेकिन हमारे लोगों को सही से मालूम नहीं है। तो दोस्तों मैं ये स्टैनफोर्स पीवीटी लिमिटेड के काउंटर पर खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये कंपनी क्या क्या बनाती है। अभी जैसे कि देख सकते हैं, जैसे लेमन मैक्स का आपने नाम सुना होगा, लेमन मैक्स जो लिक्विड बार यानी कि उस तरह से बनाती है। बाकी ये आप इनके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। टाइफून का भी आपने नाम सुना होगा, मैं वो नाम बता रहा हूँ जो फेमस चीज़ है। तो उस तरह की सारी चीज़ें ये हमारा जो हमारी जो ये कंपनी है स्टैनफोर्स ये बनाती है। और बचपन से आपने एक नाम सुना होगा, केयर हनी लोशन। तो दोस्तों ये जो केयरिस हनी लोशन आप लोगों ने काफ़ी लगाया होगा, ये कंपनी बनाती है। आज ही आप लोगों को पता चला होगा, मुझे भी आज ही पता चला है। तो चले, माशाल्लाह हमारे मुल्क पर काफ़ी कुछ पता बनता है लेकिन हमें पता नहीं है सही से। तो दोस्तों अभी मैं मेन्यू के काउंटर के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे जो इन्होंने स्टॉल लगाया है, मेन्यू वैसे माशाल्लाह पाकिस्तान का जाना माना नाम है। बाकी तो जैसा आप लोगों को पता है, मेन्यू जो हमारी है नगेट्स बनाती है और काफ़ी कुछ बनाती है। ये आप इनके रिफ्रीजर पे सारे आइटम देख सकते हैं, पराठे, चपली कबाब, इस तरह की काफ़ी कुछ बनाते हैं ये। और ये शामी कबाब वगैरह भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैं परफेक्ट ये जो कंपनी है उसके सामने खड़ा हूँ, उसके काउंटर के सामने। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी कुछ बनाती है, रूम स्प्रे वगैरह और इसके अलावा जो हमारे मॉर्टिन वगैरह जो आपने लोगों ने नाम सुना उस तरह की सारी चीज़ें ये बनाती है। और इसके अलावा ये हैंड वॉश वगैरह हो गया और फिर जाके परफ्यूम वगैरह हो गया। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं काफ़ी कुछ बनाते हैं ये। तो ये ओलंपिया केमिकल के स्टॉल के पास मैं मौजूद हूँ। ये डिटर्जेंट और कॉइल और इस तरह की काफ़ी कुछ बनाती हैं, डिश वॉशर्स आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने QC का काउंटर है
और क्यूसी जो हमारे हैं, ये आप देख सकते हैं इनके ब्रांड, ये जूस वगैरह और इस तरह की काफ़ी कुछ बनाता है क्यूसी कंपनी। तो दोस्तों आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा आवाम है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको जहाँ तक दिखा सकूँ मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा, आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैं इस टाइम मौजूद हूँ डस क्वालिटी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के काउंटर के सामने और माशाल्लाह आप यहाँ पे रश देख सकते हैं मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर, किस तरह का आवाम का रश है। और हमारे जो पाकिस्तानी आवाम है वो खुद अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहती है कि हमारे बनाए हुए मुल्क के प्रोडक्ट्स हों। और माशाल्लाह से ये जो हमारा एक्सपो सेंटर पर स्टॉल लगा है माशाल्लाह इसको काफ़ी सराहा गया। तो दोस्तों ये मैं अब हाशमी सुरमा, आपने नाम सुना होगा, उसके काउंटर पे मौजूद हूँ। ये हाशमी वाले इसका गोल बनाते हैं, सुरमा बनाते हैं, हनी बनाते हैं, काफ़ी कुछ बनाते हैं, सारे मेड इन पाकिस्तानी पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नए मौजू के साथ, नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।